भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिलत नहीं को सूल। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, सम्माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं अनुष्का गर्ग एवं मेरी कक्षा 10 सा के अन्य छात्र व छात्राएं आपके समक्ष हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रस्तुति देने जा रहे हैं। हिंदी हमारी विरासत है। हाँ हाँ, यह वही भाषा है जो आ से अनपढ़ से शुरू होती है, वो ज्ञा से ज्ञानी बना के ही छोड़ती है। सभा को गति देते हुए मैं आराध्य से अनुरोध करती हूँ कि वह यहाँ उपस्थित हो और इस शुभ दिन की शुरुआत कुछ सुविचारों से करें। सुप्रभात, मैं आराध्य मित्तल कक्षा 10 सा का छात्र आपके सामने हिंदी दिवस पर एक सुविचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। अर्थात हमारे देश की पहचान है हिंदी। हिंदी भाषा ने ही पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधा हुआ है। हर हिंदुस्तानी की पहचान हिंदी से ही होती है। धन्यवाद। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत में कार्यकारी एवं राजभाषा का दर्जा आधिकारिक रूप से दिया गया था। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या आप जानते हैं? साल 1947 में भारत जब अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ था, तब देश के सामने भाषा को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न था, क्योंकि भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन किस भाषा को राजभाषा का दर्जा देना चाहिए, यह निर्णय बहुत कठिन था। काफ़ी सोच विचार के बाद ये निर्णय लिया गया और अंग्रेजी और हिंदी को नए राष्ट्र की भाषा चुना गया। हम हिंदी दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि हिंदी सदियों से हमारी भाषा रही है व हमें इसका सम्मान करना चाहिए। ये भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है व विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से हिंदी का द्वितीय स्थान है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी भाषा विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है व जिसे दुनिया में बोलने वाले, समझने वाले और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। धन्यवाद और आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, आज मैं लक्ष्मी उड़ानी आपको हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। कविता कुछ इस प्रकार है, हिंदी है तो हम है, बिना हिंदी हम क्या है, हिंदी बढ़ाती है देश की शान, इससे ही है हमारा सम्मान। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो यही हूँ, कैसे हैं आप सभी? आप सभी मेरे प्यारे बच्चों से मिले हैं? नहीं ना, तो चलिए आज मैं आप सभी से उनका परिचय करवाती हूँ। सबसे पहले मिलिए मेरी गुजराती बेटी से। अब इससे मिलिए, ये है मेरी मराठी बेटी। नमस्कार, तुम्ही कसे आहात? मैं तुमची गोड मराठी भाषा आहे। Hello Mother India, I am English. Just now I saw that you love all of your children so much. Could you please give me some little space in your big heart? हाँ बेटा, क्यों नहीं, आओ मेरे पास। माँ तो अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करती है। Mother India, whom are you searching for? मैं अपनी सबसे प्यारी बेटी को ढूंढ रही हूँ। Aren't we dear to you? हाँ बच्चों, आप सभी मेरे प्यारे बच्चे हो तथा भारत की अन्य भाषाएं भी मुझे प्यारी हैं, परंतु मेरी सबसे प्यारी बेटी तो मुझे दिख ही नहीं रही, कहाँ है वो? Who is she?
जिसकी सादगी मेरी शान है, जिसका भोलापन मेरा अभिमान है, जिसके सुंदर अक्षरों पर मुझे नाज है, वही बेटी इस भारत की पहचान है। मदर इंडिया, आर यू सर्चिंग फॉर हिंदी? सही कहा बच्चों, मैं हिंदी को ही ढूंढ रही हूँ। कहाँ है मेरी प्यारी हिंदी? अच्छा, तो यहाँ छुपी है मेरी प्यारी हिंदी। मामा, मैं तो आपके साथ लुका छुपी खेल रही थी। अच्छा बेटी, अरे बातचीत में तो मैं अपनी बेटी का परिचय आप सभी से कराना ही भूल गए। आज वह अपना परिचय स्वयं ही देगी, क्योंकि आज उसी का दिन है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी हिंदी भाषा। आप सब तो मुझे जानते ही होंगे, क्योंकि हर किसी बोलने या लिखने वाली बात में आप मेरा प्रयोग करते ही हैं, जैसा कि मेरे दोस्तों ने बताया। अब मेरी बारी है, क्योंकि आज ही के दिन मुझे मेरा वास्तविक स्थान दिया गया। हाँ दोस्तों, आज ही के दिन भारत के संविधान ने मुझे अपना हिस्सा बनाया। दोस्तों, आज ही के दिन 14 सितंबर 1950 में मुझे राजभाषा घोषित किया गया। चाहे बंगाली हो, मराठी हो, गुजराती हो, तमिल हो या इंग्लिश हो, परंतु हमारी संबल भाषा हिंदी है। सही कहा बेटी, जिस तरह हमने हिंदी भाषा को अपना लिया, ठीक उसी तरह आज ही के दिन भारतीय संविधान में भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में चुना गया। इसीलिए आज के दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, लेकिन यह हमारी जीवन मूल्यों, संस्कृति तथा संस्कारों की सच्ची संवाहक है। यह सरल, सहज और सुगम भाषा है तथा विश्व में सबसे वैज्ञानिक भाषा है। इसलिए हमें इसको बोलने में उपयोग लाना चाहिए तथा इसकी महत्वता नहीं भूलनी चाहिए।